Good morning. Yesterday we had discussed, कल मैं चर्चा कर रहा था कि प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, प्रस्ताव के आवश्यक तत्व में मैंने विधिक संबंध स्थापना की बात की, पहला नंबर. दूसरा जो विषय था, टर्म्स मस्ट बी वेरी मच डेफिनेट एंड सर्टेन. थर्ड, एसेंशियल्स ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड. फोर्थ एसेंशियल, ऑफर में भी कंडीशनल. फिफ्थ एसेंशियल, ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक. कल मैंने जनरल और स्पेसिफिक ऑफर को पढ़ाया और एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ. ऑफर यदि जनरली दिया गया है, जनसामान्य या सर्वसाधारण को दिया गया है, तो कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है. लेकिन यदि प्रस्ताव किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को दिया गया है, किसी एक व्यक्ति को दिया गया है, तो प्रस्ताव सिर्फ वही व्यक्ति स्वीकार करेगा. टुडे द इम्पॉर्टेंट सिक्स्थ एसेंशियल ऑफर्स एसेंशियल, ऑफर्स एसेंशियल प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, प्रस्ताव के आवश्यक तत्व की चर्चा मैं कर रहा हूं. प्रस्ताव के आवश्यक तत्व सिक्स्थ इंपॉर्टेंट एसेंशियल है. ऑफर मस्ट बी मेड, ऑफर मस्ट बी मेड, मस्ट बी मेड विथ ए व्यू टू, विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग, ऑब्टेनिंग द एसेट, ऑब्टेनिंग द एसेट. ऑफर मस्ट बी मेड विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेट. प्रस्ताव इस प्रस्ताव का उद्देश्य, प्रस्ताव देने का उद्देश्य, देने का उद्देश्य स्वीकारोक्ति होनी चाहिए, स्वीकारोक्ति. प्रस्ताव का उद्देश्य हमेशा स्वीकारोक्ति होनी चाहिए. यह भी इंपॉर्टेंट एक एसेंशियल है. एंड वन द ऑफर इज गोइंग टू बी एड्रेस्ड टू एनीवन एंड इट मस्ट बी एड्रेस्ड विद अ व्यू टू गिव द एसेट. प्रस्ताव देते समय प्रस्तावकर्ता का यह दायित्व है, यह इस व्यू से दिया जाए, इस आशा या मना स्थिति से दिया जाए कि सामने वाला वह प्रस्ताव पर सम्मति व्यक्त करे, उसको स्वीकार करे. इस उद्देश्य से, इस मना स्थिति से सदैव प्रस्ताव दिया जाना चाहिए प्रस्तावकर्ता के द्वारा. एक चीज बहुत ही माइन्यूट है, ऑफर मस्ट नॉट बी गिवेन मेयर टू डिस्क्लोज द इंटेंशन. मैंने आपसे बताया डिस्क्लोज द इंटेंशन, DISCLOSE, डिस्क्लोज द इंटेंशन, INTENTION, डिस्क्लोज द इंटेंशन. और सॉलिसिटिंग द इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन. Soliciting the information means प्रस्ताव का जो आशय हो, जो व्यू हो. मैंने आपसे बताया कि प्रस्ताव का आशय फाइनल हो, means ऐसा ना हो कि disclosing the intention. Disclosing the intention का एक उदाहरण मैं आपको बता दूं. यदि कोई व्यक्ति इस तरह बात करता है सामने वाले से, जैसे ए बी से यह कहता है कि भाई साहब ऐसा है, मैं ये सोच रहा था कि मेरी एक जमीन है, अगर उसको बेच दिया जाए तो मैं अपना रुका हुआ काम कर सकता हूं, क्यों ना इस जमीन को बेच दिया जाए. इस तरह की अगर बात को आधार बनाते हुए कोई स्वीकार करता है तो वह प्रस्ताव कदापि नहीं माना जाएगा, उसको माना जाएगा डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन.
को किसी व्यक्ति के समय डिस्क्लोज कर रहे हैं, अपनी बात को बता रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपके लिए क्या सहूलियत है, क्या किया जाना चाहिए, यह एक वक्तव्य के माध्यम, यह एक आपसी चर्चा परिचर्चा बातचीत के माध्यम से आप स्पष्ट कर रहे हैं। मेरी एक जमीन है, मैं उसको बेचना चाहता हूं, अगर इसको मैं बेच दूं तो हो जाए, तो कभी भी ऐसे वाक्य जो हैं, ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंस जो हैं, वो कभी भी प्रस्ताव की संज्ञा में नहीं माने जाएंगे। डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन शैल नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन ऑफर। डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन एंड सॉलिसिटिंग इंफॉर्मेशन, अगर आप कोई भी सूचना दे रहे हैं, इट डजेंट कम विद इन द स्फेयर ऑफ इन ऑफर, वो कभी भी प्रस्ताव की संज्ञा में नहीं आएगा। प्रस्ताव की संज्ञा में क्या आएगा? इंटेंशन मस्ट बी फाइनल, योर डिसीजन मस्ट बी फाइनल, द सेंटेंसेस मस्ट बी वेरी मच क्लियर। मीन्स जैसे ए बी से कहता है, मेरी एक साइकिल है, मैं उसको 200 रुपए में आपको बेचना चाहता हूं, यह डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन के शब्द में नहीं है, श्रेणी नहीं आएगा, यह सॉलिसिटिंग एंड इंफॉर्मेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। यह एक स्पष्ट या एक फाइनल निर्णय है, या एक फाइनल विचार है, यह एक फाइनल वी कैन से द सेंटेंस which indicates your final intention, जो आपके आशय स्पष्ट आशय क्या द्योतक है या स्पष्ट कर रहा है, तो इस आधार पर वह वाक्य मैं अपनी साइकिल 200 रुपए में बेचना चाहता हूं आपको, यह एक स्पष्ट वाक्य है, यह एक फाइनल इंटेंशन है, यह एक फाइनल आपका वी कैन से द निर्णय है जिसको आप करना चाहते हैं, तो इसको आधार बनाकर यह वाक्य जो है यह प्रस्ताव की श्रेणी में आएगा। और यही प्रस्ताव यदि कोई स्वीकार करता है तो हम उसको कहेंगे कि वह प्रस्ताव वैध है, स्वीकारोक्ति वैध है। मीन्स दो चीजें, डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन, सॉलिसिटिंग एंड इंफॉर्मेशन शैल नॉट कम विद इन द स्फीयर ऑफ एन ऑफर, इससे हमें बचना चाहिए। सॉलिसिटिंग इंफॉर्मेशन मैंने आपसे बताया, जिससे हमें सॉलिसिटिंग इंफॉर्मेशन, सॉलिसिटिंग मतलब किसी विषय को सूचना देना, अपनी बात को बताना, किसी की सूचना को बताना, जैसे बंबई में भाई साहब मेरी एक जमीन है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, और बेच के मैं सोचता था बिटिया की शादी कर दूंगा, ऐसे नहीं, ए ऑफर की श्रेणी में नहीं आएगा। और इस आधार पे कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि उसने प्रस्ताव दिया था, और कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है कि सामने वाले का प्रस्ताव था, इस आधार पर मैंने स्वीकार किया है, तो जिसके आधार पर संविदा गठित हो गया है। तो कभी भी ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य कभी भी प्रस्ताव की संज्ञा में नहीं है। बात क्लियर हो गई होगी, मैं पूरा भरोसा कर चुका। द सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑफर मस्ट नॉट थ्रस्ट बर्डन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, बर्डन ऑफ एन एक्सेप्टेंस मीन्स आप प्रस्ताव देते समय ऐसे चीजों या ऐसे शब्दों, ऐसे वाक्य का प्रयोग न करें जिससे कि सामने वाला सामने वाले की स्वीकारोक्ति के अधिकार को आप कम कर रहे हैं या छीन रहे हैं या कमतर कर रहे हैं। मीन्स
offer, at the time of the giving of the offer, it is the legal, we can say the duty of an offer. When they are going to make the offer, they must avoid to use the term the non-compliance of which, the non-compliance of which may be assumed to an acceptance of the offer. The non-compliance of which will be assumed to an acceptance of the offer. प्रस्तावकर्ता को ऐसे शब्द या ऐसे चीजों से बचना चाहिए. प्रस्ताव आपने दिया और यू हैव गिवन द ऑफर एंड यू हैव गिवन यू हैव इम्पोज्ड वन वी कैन से द कंडीशंस विच इज not at par with the spirit of the Indian Contract Act 1872. प्रस्ताव देते समय प्रस्तावकर्ता के द्वारा कुछ ऐसे शर्त निर्धारित होते हैं, शर्त कहिए या ऐसे वाक्य प्रयोग किए जाते हैं जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की मूल आत्मा के विरुद्ध है. ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द से हमें बचना चाहिए, सदैव बचना चाहिए. जैसे ए ने प्रस्ताव दिया बी को, ए ने प्रस्ताव दिया बी को कि मेरी एक साइकिल, मैं उसको 200 रुपए में आपको बेचना चाहता हूं. यदि आप, ध्यान से सुनिए, यही से है प्रॉब्लम. यदि आप 1 week WWEK, if you will not give the reply within a week, I shall assume that you have accepted the offer. ऐसे शब्द से बचिए, ऐसे शब्द से प्रस्तावकर्ता को सदैव बचना चाहिए. It is in against of the spirit of the Indian Contract Act 1872. यदि प्रस्तावकर्ता ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य, ऐसे शर्त निर्धारित करता है जो विधि सम्मत नहीं है, जो संविधान अधिनियम के अनुरूप नहीं है, यदि एक सप्ताह के अंदर आप कोई भी रिप्लाई नहीं देते हो, कोई भी उत्तर नहीं देते हो, तो मैं यह समझ लूंगा कि आपने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. ऐसे प्रस्ताव प्रस्ताव की संज्ञा में नहीं आएंगे, विधिता प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया जाएगा. भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अनुसार, और जब वैध प्रस्ताव नहीं होगा तो उसकी स्वीकारोक्ति पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, जिससे कि संविधा अस्तित्व में नहीं हो आएगी, और संविधा अस्तित्व में न होने के कारण ई शैल नॉट मूव टूवर्ड्स द कोर्ट फॉर एनी जस्टिस इनश्राइंड इन द वेरी स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. प्रस्ताव द नॉट कॉम्प्लायंस ऑफ व्हिच मे बी अज्यूम्ड टू एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, ऑफरर मस्ट try to avoid from such terminologies, words, sentences at the time of the giving of the offer. प्रस्तावकर्ता को सदैव ऐसी चीजों से बचना चाहिए, ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए. प्रस्ताव देते समय ऐसी चीजों का प्रकटीकरण जो है
वह पूरे या पूरे क्या क्या कहें समूचे प्रस्ताव को खतरे में डाल सकता है, और प्रस्ताव ऐसे प्रस्ताव विधि सम्मत नहीं माने जाएंगे। तो आपको बात पूरी क्लियर हो गई होगी कि ऐसी चीजों से प्रस्तावकर्ता को सदैव बचना चाहिए, और यदि प्रस्ताव को विधिता स्थापित करना है, विधिता आपको बनाना है, विधि सम्मत बनाना है, तो आपके समक्ष जो सात आवश्यक तत्व आज मैं आज तक बताया हूँ अपने तीन लेक्चर में, उसके अनुसार ही जब आप प्रस्ताव करेंगे तो ऐसे प्रस्ताव को ही वैध प्रस्ताव की संज्ञा में माना जाएगा, वैध प्रस्ताव कहलाया जाएगा। और वैध प्रस्ताव होने यदि वैध प्रस्ताव नहीं है तो प्रस्तावकर्ता भी कटघरे में खड़ा हो सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो प्रस्तावकर्ता का भी यह दायित्व तो है कि प्रस्ताव देते समय इन सब सारी चीजों की जानकारी उसे हो, और नियमतः प्रस्ताव देने का सदैव प्रयास करे, और जब प्रस्ताव वैध रहेगा तो स्वीकृति भी वैध होगी, जिससे संविदा अस्तित्व में आएगा, जिससे कि आसानी से न्याय सुलभ हो सकता है न्यायालय के द्वारा। तो आपने देखा कि प्रस्ताव की एसेंशियल सात एसेंशियल्स मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आपसे इसी यूनिट के तहत एक टॉपिक स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर आप ए वर्ड सुने होंगे, स्टैंडिंग ऑफर, इसकी हिंदी है अस्थाई प्रस्ताव, अस्थाई व चलत प्रस्ताव। नाम से आप बहुत कुछ वाकिफ हो गए होंगे, स्टैंडिंग ऑफर संविदा अधिनियम के तहत क्यों लाया गया, इसका मूल उद्देश्य क्या है। स्टैंडिंग ऑफर इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। स्टैंडिंग ऑफर हेल्प्स टू द बिजनेसमैन, दोज हु हैव गॉट द स्पेशल स्टेटस इन द ट्रेड सेक्टर, इन द बिजनेस सेक्टर, इन द मर्केंटाइल सेक्टर, इन द बिजनेस अफेयर एट लार्ज। व्यापारियों का भी श्रेणी है, मध्यम निम्न क्लास के व्यापारी भी हैं, मध्यम श्रेणी के व्यापारी हैं, और उच्चस्थ व्यापार वर्ग भी इस देश में है। तो भारतीय संविधान अधिनियम जब बन रहा था तो इस पर भी चर्चा हुई, और चर्चा के तहत यह भी निर्धारित किया गया कि कुछ ऐसे व्यापारी हैं, कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी प्राइवेट लिमिटेड चलती है, जिनकी कंपनियां चलती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलती है, और जिनको डेली आप प्रस्ताव नहीं करके उसको आप व्यवस्थित ढंग से संचालित कर सकते हैं व्यापार डेली। तो स्टैंडिंग ऑफर इज अ कंसेप्ट व्हिच इज इंप्लिसिटली इंश्राइंड
in the very forum of the Indian contract at 1872. Just as, for example, the big businessman, their raw materials are coming daily, day by day, means 50 trucks, coal, 500 truck, iron, 500 truck, chips, and cement. These are the things which is the very, we can say, the day-to-day affairs in the sector of big trade, big businessmen. Transaction point of view. So once the contract has been formed, and that shall continue up to 1 year, means there are certain offer which is continuous offer, which is considered as continuous offer. Continuous offer. What is a standing offer? Standing offer is an offer in which there is a continuous supply of goods. Continuous supply. Continuous supply of an article. A-R-T-I-C-L. Article. Article means saman. A-R-T-I-C-L. Article. Continuous supply of an article for at certain rate. Number one, number two. Continuous supply of an article at certain rate with a specific period. In a standing offer, these four things are the core things, core issues of standing offer. Means there shall be continuous supply. What of a continuous supply of an article? Lagatar supply. De Sartis matlab saman. उस सामान में चाहे कोयला हो सकता है, चाहे सीमेंट हो सकता है, चाहे चिप्स हो सकता है, चाहे आयरन लोहा हो सकता है, या और भी रॉ मटेरियल्स के तहत जो भी चीजें आती हैं, अब्रक, जो भी बड़े बिजनेसमैन बिजनेस फॉर्मूला अलग, कोई मोटर अगर पार्ट्स है तो मोटर पार्ट्स के सप्लाई का मैटर हो, तो किसी भी मैटर में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एट सर्टेन रेट, जो सामान आएगा उसका एक फिक्स रेट होगा, एक निर्धारित मूल्य, और वह सप्लाई जो होगा, सामान का जो लेन देन होगा, जो निर्धारित पैसा निर्धारित किया गया उस पैसे से होगा, कब तक होगा, एक निर्दिष्ट समयावधि तक. Means in a standing offer there shall be continuous supply of an article at certain rate
up to the certain period. These four things are the core, which can say the essentials of standing off. And it helps to the big businessmen. It helps to the big trade, big private limited companies, firms, where raw materials as well as the essential, we can say the things which is very essential in continuation of a business, that may be of cement factory, that may be of iron factory, that may be of motor transport business related factories, whatever be the factory. I am concentrating only on standing offer, that they are selling continuous supply of an article at certain rate over a certain period of a certain period or specifically certain period. And the revocation of the standing offer is the same as in the case of the offer, means before the acceptance, at any time, at any moment, you can revoke the standing offer. Means aap chalat ya sthayi prastav ko kabhi bhi khandit kar sakte hain, jaisa ki hum sadharan prastav ke vishay mein dekh chuke hain. Jaisa ki sadharan prastav mein bataya gaya hai ki prastav ki jankari hone ke purv, सामने वाले को जानकारी होने के पूर्व आप प्रस्ताव को खंडित कर सकते हैं. ठीक वही विधा, ठीक वही व्यवस्था हमारे स्टैंडिंग ऑफर में भी लागू होगा. स्टैंडिंग ऑफर में आप भी उसी तरह खंडित कर सकते हैं. सामने वाले पक्षकार को संज्ञान होने के पूर्व आप अस्थाई व चलत प्रस्ताव को खंडित कर सकते हैं. स्टैंडिंग ऑफर आपका हो गया. एंड इन कमिंग लेक्चर आज विल स्टार्ट द रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर. रिवोकेशन REVOCATION रिवोकेशन ऑफ एन ऑफ प्रस्ताव का खंडन. प्रस्ताव को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे खंडित कर सकते हैं. एंड आई होप सो दैट यू स्टूडेंट्स आर लिसनिंग माय लेक्चर डेली विदाउट एनी प्रॉब्लम. And if you shall have any problem, you come to the CBC Law College. Thank you. Have a nice day.